सूर्य की बात करते हैं। सूर्य के बारे में सबको पता है, सूर्य ऊर्जा का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रथम भाव का स्थायी कारक है, वीरण के पश्चिम से पिता का कारक है, पुत्र का कारक है, ठीक, चिकित्सा का कारक है, दवाओं का कारक है, क्योंकि कहानी के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि शनि इसका शत्रु है, शनि रोगों का कारक है और इसका अपोजिट है, तो सूर्य जो है चिकित्सा का और दवाओं का कारक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है। अब मंगल का मित्र होने के कारण और ज्यादा बढ़ जाती है। राजा होने के कारण राजनीतिक है, शक्ति आत्मबल भरपूर है, पितरों का कारक है। भगवान श्री शंकर का कारक है, क्योंकि कल्याण करना, कल्याण में रहना, कल्याण देना सूर्य का दायित्व है। जगत पिता है सूर्य, सूर्य जगत पिता है। सूर्य का अगर हम परिचय थोड़ा सा जाने, आपने सुना यमराज, मनु और शनि, ये तीनों ही पुत्र सूर्य के पुत्र माने गए हैं, यमराज, मनु और शनि। अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र माने गए हैं और यमुना सूर्य की पुत्री मानी गई है। विश्वकर्मा जी की पुत्री जो कल हम संध्या था, उनसे सूर्य देव का विवाह हुआ और जिसके मिलन से जो संध्या मतलब छाया, और जिसके मिलन से अंधेरा यानी शनि देव की उत्पत्ति हुई। सूर्य के रथ पे, किसी का बैकग्राउंड वॉइस है प्लीज बंद कर दीजिएगा, सूर्य के रथ पे एक पहिया समय को दर्शाता है, फल को दर्शाता है, और समय और फल जो है भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों को सूर्य के पहिये, रथ के जो पहिये वो दर्शाते हैं। और रथ में बने सात घोड़े सातों वार समय को दर्शाते हैं, सातों रंग, सूर्य में सात किरणें होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, इंद्रधनुष काइंड ऑफ रेनबो, रेनबो, रेनबो अंग्रेजी का वर्ड, सुंदर वर्ड, थैंक यू। सूर्य की माता अदिति, हमने वास्तु में पढ़ा कई बार, सबने पढ़ा, और अदिति ऋषि कश्यप की अर्धांगिनी मानी गई है। ये सूर्य की थोड़ी सा संक्षिप्त परिचय था जो हमारे को जीवन में धीरे धीरे जगह जगह काम आएगा कि वाई सूर्य इज सो इम्पोर्टेंट, और उसका शनि के साथ क्या इम्पैक्ट, उसके साथ जब हम आगे जाएंगे रेमेडीज पे तो हमें काम आएगा। अच्छा।